हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रफीक एडिट्स एमबी। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल का कॉन्सेप्ट है फ्यूचरिस्टिक फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा उसका सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अब तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो। मेरा यूज़र आईडी है rafeek_edits। एंड गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टुवर्ड्स द एडिटिंग। गाइस, इस फोटो एडिटिंग के लिए आपको कुछ स्टेप पर फोटो को क्लिक करा लेनी चाहिए। एंड बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए चलते हैं टूल्स पे। टूल्स पे जाकर फ्री क्रॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो भी इस आपको चाहिए वो फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। गाइस, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद चलते हैं ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल पे जाने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा फोटो को सेव। गाइस, ये है हमारा बैकग्राउंड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद जो भी हमारा मॉडल है उसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसे परफेक्टली आपके बैकग्राउंड में सेट कीजिए। गाइस, सेट करने के बाद इरेजर से जो भी अनवांटेड एरियाज है उसे इरेज कर दीजिए। एंड गाइस, यहां से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे। गाइस, ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पीएनजी से है उसे ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट ये नोट का पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। इसका ब्लेंडिंग को रख लेते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आपके लेफ्ट साइड में इसे परफेक्टली बिठा लीजिए। आपके साइज के फोटो का साइज के मुताबिक आप रख लीजिए। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे एक वॉच का टाइमर का पीएनजी मिलेगा उसे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, इसे आपके वॉच के पास परफेक्टली बिठा लीजिए। एंड गाइस, इसका ब्लेंडिंग को रख लेते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसे परफेक्टली आपके वॉच पे परफेक्टली बिठा लीजिए। एंड गाइस, यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक और पीएनजी मिलेगा उसे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, इस पीएनजी को आपके राइट साइड हेड के पास इसे लगा लेते हैं। एंड सही इसका ब्लेंडिंग को भी चेंज कर लेते हैं। स्क्रीन करने के बाद इसके साइज के मुताबिक आप इसे परफेक्टली बिठा लीजिए। एंड गाइस, यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद एक और पीएनजी है स्पीडोमीटर का पीएनजी है उसे ऐड कर लेते हैं। इसे आपके आपके राइट बॉटम पे इसे बिठा लेते हैं। एंड इसका भी ब्लेंडिंग को चेंज कर लेते हैं स्क्रीन। एंड गाइस, परफेक्टली साइज देखकर यहाँ पे बिठा लीजिए एंड डन कर लेते हैं। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद एक और पीएनजी है डेट का पीएनजी उसे भी ऐड कर लेते हैं। जो कुछ भी पीएनजी मैंने यूज़ कर रहा हूँ उसका सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, इतना सारा पीएनजी मैंने खुद से बनाया हूँ, इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। एंड गाइस, इस पीएनजी का साइज के मुताबिक आप बिठा लीजिए, परफेक्टली बिठा लीजिए।
इस फोटो एडिटिंग सब कुछ बनता है पीएनजी से। गाइस यहां से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ब्यूटी मोड पे चलते हैं। गाइस ब्यूटी मोड पे आने के बाद फेस फिक्स को सेलेक्ट करके हमारा फेस को कर लेते हैं स्मूथ। एंड गाइस यहां से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद स्किन टोन को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड थोड़ी सी स्किन टोन को आपके फेस पे आप डाल लीजिए करीब 24%। एंड यहां से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद चलते हैं टूल्स पे। टूल्स पे जाके एडजस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका ब्राइटनेस को हल्की से बढ़ा लेते हैं करीब 50%। 50% बढ़ाने के बाद इरेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसे इन्वर्ट कर लेते हैं। इन्वर्ट करने के बाद इसका हार्डनेस ओपेसिटी और साइज को कम कर लेते हैं। कम करने के बाद इसका फेस पे हल्की सी डॉज का इफेक्ट लाते हैं। आपको चाहिए तो ये लगा लेती है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस तो कंपलसरी नहीं है। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद और थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं करीब 9 या 10%। ओके 10% ठीक है। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद हमारा पिक्सल का काम तो ख़त्म हो चुका है। एंड चलते हैं ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल पे जाने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा फोटो को सेव। एंड गाइस पिक्सल पे हमारा काम तो हो चुका है। नेक्स्ट काम है हमारा लाइटरूम पे। एंड चलते हैं लाइटरूम की ओर। गाइस हमारा फोटो लाइटरूम पे इंपोर्ट हो चुके हैं। एंड चलते हैं लाइट्स पे। लाइट्स पे आने के बाद कॉन्ट्रास्ट को हल्की सी बढ़ा लेते हैं एंड हाइलाइट्स को कर लेते हैं कम। एंड शैडो को कर लेते हैं करीब 25 एंड ब्लैक्स को कर लेते हैं कम। एंड चलते हैं कलर्स पे। कलर्स पे आने के बाद इसका टेम्परेचर को हल्की सी माइनस के ले चलते हैं करीब 8% एंड वाइब्रेंस को थोड़ी बढ़ा लेते हैं करीब 44। एंड चलते हैं मिक्स पे। मिक्स पे आने के बाद ऑरेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका सैचुरेशन को हल्की सी कम करके ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेते हैं करीब 50 या 60% ताकि हमारा स्किन ग्लो हो सके। एंड चलते हैं येलो पे। येलो को चूज़ करने के बाद इसका ल्यूमिनेंस को कर लेते हैं कम एंड सैचुरेशन को कर लेते हैं कम। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इफेक्ट्स पे चलते हैं। गाइस इफेक्ट्स में आने के बाद इसका क्लैरिटी को हल्की सी बढ़ा लेते हैं करीब 23% एंड डेज को हल्की सी बढ़ा लेते हैं। मुझे लग रहा है ज़्यादा है, अब थोड़ी कम कर लेते हैं करीब 4% एंड विग्नेट को कर लेते हैं कम। एंड चलते हैं डिटेल्स पे। गाइस डिटेल्स पे आने के बाद शार्पनिंग को बढ़ा लेते हैं करीब 60 या 70 के पास एंड नॉइस रेजोल्यूशन को भी बढ़ा लेते हैं। कलर नॉइस रेजोल्यूशन को हल्की से बढ़ा लेते हैं। एंड गाइस आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस फोटो तो परफेक्ट से बनी हुई है। एंड यहाँ से कर लेते हैं हमारा फोटो को सेव। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय।